भाई अम्मी प्लीज परेशान मत हो, दुआ करें ना, इस वक्त मैं को हमारी दुआओं की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, मेरा इकलौता बेटा है, उसको मैंने जिस हालत में देखा है तो सोच भी नहीं सकती, बस अल्लाह रहम करे। लेकिन ये डॉक्टर्स इतना टाइम क्यों लगा रहे, बाहर क्यों नहीं आ रहे, मुझे उमेर से मिलना है ताया अबू, हम कब उससे मिलेंगे, मैं देखना चाहती हूँ उसे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र मंसूर साहब, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है और कुछ देर में अब उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। उनके कुछ टेस्ट करवाने हैं तो आप एक काम करें कि उनकी स्लिप बनवा लें। डॉक्टर साहब, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? बीबी अभी आप उनसे नहीं मिल सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अभी हम कुछ देर में उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो फिर आप सब उनसे इंशाल्लाह मिल सकेंगे। मैं स्लिप बनवा कर आता हूँ। ताहिर, मैं आपके साथ चलूँ? नहीं बेटे, तुम यहीं रहो इनके पास। मरियमा आपके चाय। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सुना है कि उमेर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, बस उसकी कोई नेकी काम आ गई जो अल्लाह ने उसको जिंदगी दे दी। जी बेटी अम्मा, अल्लाह ने बड़ा करम किया। मामू से हुई थी मेरी बात, बेचारे बहुत परेशान थे, अभी हॉस्पिटल होने का पता करने जा रहा हूँ। फातिमा तुम अब तक तैयार नहीं? क्यों? हॉस्पिटल के लिए? नहीं, आप लोग चले जाएं, मैं नहीं आऊंगी, सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। माँ, बेटा तुम मुताहिर के साथ चली जाओ, तुम्हारी ताई जान का मुश्किल वक्त है, तुम्हें देखकर हौसला होगा ना उन्हें। और तुम ही तो कहती हो कि वो तुमको बिल्कुल बेटियों की तरह चाहती है। बढ़िया माँ ठीक कह रही है, मेरा ख्याल है फातिमा तुम्हें साथ चलना चाहिए, वरना मामू मुमानी को लगेगा जैसे मैंने तुम्हें मना किया। तैयार हो जाओ, मैं अम्मी को देख कर आता हूँ। तुम भी दर्द सहोगे जैसे मैं सह रही हूँ। तुम्हारी अभी कोई नहीं सुनेगा, तुम दर्द से चीखते रहोगे चिल्लाते रहोगे, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब किताबी बातें हैं भाई, मुझे देखो कुछ भी नहीं हो रहा। बचपन से मुझे जानती हूं, आज तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ सके नहीं। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ, किसी ने कुछ कहा मुझे? मुझे सिर्फ तुम्हारी इन बातों में हंसी आती और कुछ नहीं। चली जाओ बेटा।
जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम आज मेरी बेबसी का फायदा उठा रहे हो ना, कयामत वाले दिन मेरी यही बेबसी तुम्हारी जिल्लत का बायस बनेगी। फातिमा, मैं तुम्हें ऐसा जी करना नहीं चाहता था, इस बात को समझो। ये तो तुमने ही मुझे मजबूर किया ऐसे करने में। मोहब्बत की जाती है उनको जलील और रुस्वा नहीं किया जाता। तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश। जब ख्वाहिशें हद से बढ़ जाती है तो गले का तोप बन जाती है। तुम मेरे साथ जुल्म करके बच नहीं सकते। तुम मजलूम की आंखों क्या समझते हो? मज़लूम की आना अर्श तक पहुंचती है। मैं बेबस जरूर हूं लेकिन मेरा रब नहीं। वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। एक दिन आएगा तुम भी बेबस हो जाओगे जैसे मैं हूं, तुम भी दर्द सहोगे जैसे मैं सह रही हूं। तुम्हारी अभी कोई नहीं सुनेगा, तुम घर से चीखते रहोगे चिल्लाते रहोगे लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब किताबी बातें हैं भाई, मुझे देखो कुछ भी नहीं हो। बचपन से मुझे जानती हूं, आज तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ सके नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी इन बातों में हंसी आती और कुछ नहीं। कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। मैं जाओ यहां से, प्लीज बख्श दो मुझे, जाओ। उमेर बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेटा मेरी जान, कुछ बोलो, तुम्हें कुछ चाहिए? भाभी ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? और आप लोगों ने मुझे रात को ही क्यों इत्तला नहीं दी? सुबह मंसूर भाई ने मुझे फोन किया, बताया मुझे, मेरा तो दिल निकल गया। अब साइमा, बस अल्लाह ने बहुत करम किया, मैं क्या परेशान करती रात में तुम्हें। मंसूर ने मना भी कर दिया था कि सुबह सबको इत्तला देंगे। मेरा बच्चा, कैसे हुआ एक्सीडेंट बेटे? यकीनन तुम तेज गाड़ी चला रहे होगे। कितनी बार कहा है एहतियात से गाड़ी चलाया करो। देखा, अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत बहुत बेहतर है इसकी। बस डॉक्टर्स ने कहा है कि ब्लड रिपोर्ट आ जाए तो एक दो दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? आज मैं भी देखता हूँ कि तुम मुताहिर के पास कैसे जाती हो। फातिमा बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ इधर आओ। नहीं
टाइम ही मैं ठीक हूँ। ताहिर हम बाहर चले, मुझे घबराहट हो रही है। जितना मर्जी जाओ, शोर मचाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रही। मैं तुम्हें कह रही दरवाजा खोलो वरना मैं वाकई शोर मचाऊंगी। मचाओ ना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम शोर मचाओ। फातिमा, आ गया, अब तो और मजा आएगा भाई। खोलो, देखना चाहता हूँ कि क्या कहेगा मुताहिर जब वो तुम्हें और मुझे इस कमरे में अकेला देखेगा। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, खोलो ना दरवाजा, देखूं तो सही। खोलो फातिमा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? पानी पी। क्या बात है फातिमा, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं कोई बात नहीं है, आप सो जाए। फातिमा, मैं देख रहा हूँ जब से तुम घर से आई हो तुम परेशान सी। यू कैन शेयर विद मी। नहीं, वो कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है। फातिमा बीबी कहाँ है? फातिमा बीबी अपने कमरे में। कमरे में? लेकिन अपने कमरे में तो नहीं है, मैं अभी वहाँ पर गया था। अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें देखा था, वो वहीं अपने कमरे में थी। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वो वहीं अपने कमरे में होंगी। फातिमा कहाँ थी तुम? मैं कब से नॉक कर रहा था। वो मैंने नमाज पढ़ी थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरी याद आ रही थी ना। बताए मुझे अभी आपके साथ घर जाओ। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें लेने के लिए तो आया हूँ। जाओ जल्दी से पैकिंग करो। दुनिया के रंगों में खो के जभी पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सू वीराने उसके लिए हूँ। तू डोर जब खुदा खींचता है तेरे मोहताज सारे, मुझे समझ ये आई अब तो।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा देखकर उनका दुख और तकलीफ बढ़ जाए। प्लीज फातिमा, मुझे उनसे एक दफा मिलने दो। उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उनसे उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बात करोगे? हाँ, अपने किस किस गुनाह का कफारा अदा करोगे? मौत के मुंह में तो उन्हें फेंक चुके हो, अब जो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं वो भी छीनना चाहते हो? जानते कि जिस बाप की बेटी दुल्हन बने और उसकी डोली ना उठे, उस घर से बाप का जनाजा उठता है। या तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? तुम वाकई उन्हें मारना चाहते हो, है ना? अल्लाह ना करे मेरे बाबा को कुछ हो, और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो तुम उनके कातिल होगे। उनका खून तुम्हारी गर्दन पर होगा उमैर, और कसास लेने का हुक्म तो मेरे रब ने खुद कुरान पाक में दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमैर, और इसे मेरी धमकी मत समझना। मजलूम की आह फर्श से अर्श तक जाती है, कहीं ऐसा ना तेरे आंसू तुम्हें बर्बाद कर दें। मेरे साथ जुल्म करके बच नहीं सकते। तुम मजलूम की आंखों क्या समझते हो? मजलूम की आह ना अर्श तक पहुंचती है। मैं बेबस जरूर हूं, लेकिन मेरा रब नहीं। वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
अरे बेटे वहां क्यों खड़े हो, आओ बैठो। आप नमाज पढ़ रही थी? हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही तो अजान हुई है फजर की। जी मैंने सुनी। अरे तुम्हें पता था तो फिर पूछ क्यों रहे हो। मम्मी आप हमेशा से फजर की नमाज पढ़ती हैं। नहीं बेटा अब तो मेरी अक्सर कजा हो जाती है फजर की नमाज। पहले फातिमा थी ना, वो मुझे वक्त पे उठा दिया करती थी और कहती थी कि तायमीन जो हमारे रब ने हम पर फर्ज किया है उसे हमें पूरा करना चाहिए, चाहे वो नमाज हो चाहे लोगों के हुकूक। क्या बात है, तुम्हें इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी, तुम उठ क्यों गए? मम्मी मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं कब से सो रहा, ना दिन का पता ना महीने का पता ना साल का, ऐसे ही चले जा रहा। नहीं बेटा तुम अभी अभी तो सोए थे, मैं तो 2 बजे तुम्हारे कमरे से उठकर आई हूँ। कुछ देर आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। अब बेटा तुम अगर कुछ देर सो लेते तो अच्छा था, डॉक्टर्स ने कहा है ना नींद पूरी होगी तो तुम्हारी तकलीफ में भी कमी होगी। तो मैं कुछ खाने को दूं तुम्हें, भूख लग रही है क्या? नहीं मम्मी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अच्छा फिर बेटा एक ग्लास दूध पी लो, मैं दूध ला देती हूँ तुम्हें। नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? सुबह नमाज के वक्त तुम सो रहे होते हो या फिर कोई अपने फजूल से काम कर रहे होते हो? नमाज में कौन सी मेहनत और मशक्कत लगती है? एक मस्जिद तो जाना होता है, मस्जिद जाओ और नमाज पढ़ लो। चला यार बस ये बातें, प्लीज मेरा एक काम कर दो, वो मेरे कुछ दोस्त आने हैं शाम को, उनके लिए खाना बना दो। उमर मैं तुमसे इतनी जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा ठीक है ना, मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, लेकिन प्लीज आज खाना तो बना दो। हाँ बना दूंगी, मगर मगर क्या? मगर तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम कल से नहीं बल्कि आज से ही शुरू करोगे और कोशिश करोगे कि नमाज की पाबंदी करो। कितने थे अंधेरे ये दिल मेरा जब फासिक था, हो मर्जी जो तेरी होता है वही, अब जान गया भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे चला गया, शायद अपने कमरे में ही गया होगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे।
बाकी बहुत गुनेगा। जिंदगी गुजार रहा था, बहुत लोगों का दिल दुखा है यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मोहलत दे, मुझे तौफीक दे अल्लाह, तू तो रहीम करीम। बेटा सॉरी, मैं आपके कमरे से जाए नमाज ले आया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो ये भी याद नहीं पड़ता कि मैंने इसे मैंने नमाज कब पढ़ी। इसका मैं उठा तो जाए नमाज ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे इस कमरे में जाए नमाज नहीं मिली। मुझे एहसास हुआ कि शायद आज तक मैंने कभी इस कमरे में नमाज ही नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे समय ये तक नहीं याद कि मैंने पिछली बार नमाज कब पढ़ी थी। बाबा के साथ गया आज से 2 हफ्ते पहले, शायद 3 हफ्ते पहले, वो भी जबरदस्ती शाम की नमाज पढ़ी। ना अपने रब को याद किया, ना उसके सामने झुका। हम भी हजार की आवाज मैंने कई दफा से पहली दफा मेरी जैसा लगा जैसे मेरी रूह ने महसूस की। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं उसकी आवाज में लब फेंकूं। बेटा अब तुम थक गए हो, तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। मैं थक गया, मैं वाकई बहुत थक गया, आराम करना चाहता हूं। दुनिया के रंगों में खो के जब पीछे गुनाह के कोई भागता है, दुनिया के रंगों पीछे गुनाह के कोई भागता है, हर सुविराने उसके लिए हूँ तू डोर जब खुदा खींचता है, तेरे मोहताज सारे मुझे समझ ये आई अब तो। शफीक भाई की मौत इतनी अचानक हुई कि
हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। ये लीजिए बड़ी अम्मा, ये आपके लिए और अम्मी ये आपके लिए। किस खुशी में? मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बहुत खूबसूरत है ये भी, बहुत प्यारा है। तुम्हें पता है जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तो उसको जब भी तनख्वाह मिलती थी ना कुछ जरूर लेकर आता था और कहता था कि ये सब माँ की दुआओं का नतीजा है। अच्छा ये बताइए कलर कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत हसीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन दो बैग्स में क्या है बेटे? इनमें कुछ नहीं, बस फातिमा के लिए भी कुछ लेकर आया था। माँ के लिए एक जोड़ा और बीवी के लिए दो? नहीं अम्मी, एक में सूट था और दूसरे में ज्वेलरी। उसके लिए सूट भी और ज्वेलरी अलग, और मुझे सिर्फ सूट दिया। खैर कोई बात नहीं, तो मेरे लिए एक जोड़ा ले आए यही काफी है, कम से कम माँ को याद तो रखा है। अम्मी आप कहाँ ज्वेलरी पहनती? वो अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप रख लें, मेरे पास वैसे ही बहुत सारी ज्वेलरी है। नहीं भाई रहने दो, अगर मैं ये ले लूंगी तो पूरे जमाने को बताऊंगी कि शौहर ने गिफ्ट दिया था, सास ने ले लिया। अच्छा ना आप क्यों नाराज हो रहे? नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी ले आऊंगा। बाय द वे मेरे बॉस ने कहा है कि अगर मैंने इसी तरह मेहनत से काम किया तो बहुत जल्द मेरी प्रमोशन भी कर देंगे। माशाल्लाह मुताहिर, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। लो ठंडी हो रही है। हाल में खुश नहीं होती। वाओ ग्रेट आइडिया, बस तुम सबसे पता करो, उसके बाद मुझे बताओ। हाँ हाँ मैं मालूम कर लेती। अच्छा सुनो, वीकेंड का प्लान करना, बेस्ट होगा। ओके बाय। नौशी ने कॉल की थी, वो कह रही इस वीकेंड पर पार्टी रखनी है, तुम बताओ। कैसी पार्टी? क्या हो गया है तुम्हें? पार्टी जो हम हमेशा किया करते थे। नौशी के बाबा का सी साइड के करीब कोई फार्म हाउस है, वो कह रही थी हम वहां जा सकते हैं, लाइव बारबेक्यू करेंगे, म्यूजिक होगा, फन करेंगे, दैट्स इट। मुझे किसी पार्टी पे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। हम इतने दिनों से कहीं नहीं गए, इसी बहाने हमारा अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा, सब लोग होंगे, बहुत मजा आएगा। कहा ना मैंने कि मेरा मूड नहीं है।